हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है एकदम हट के टॉपिक लिया है, ना ही ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ना ही सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड, ना ही क्रिकेट से रिलेटेड है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 डेज पहले आया था। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि आप लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करूँ। डू PM हैव ए राइट टू पार्टी? क्या हमारे देश या किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, कैबिनेट मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, मतलब किसी भी डेजिग्नेटेड ऑनरेबल रेस्पेक्टेड पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति को पार्टी मनाने का हक है या नहीं है? चाहे वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, रतन टाटा ही क्यों ना हो, या मुकेश अंबानी हो, है ना, गौतम अडानी जी हों, चाहे अजीम प्रेम जी हों, या नारायण मूर्ति जी हों, क्या उनको पार्टी मनाने का हक है? उनके लिए पार्टी का क्या मतलब होना चाहिए? तो आज मैं आप लोग को एकदम क्लियर कट बताऊंगा, क्या प्राइम मिनिस्टर को पार्टी मनाने का हक है? बिल्कुल है। लेकिन उनके लिए पार्टी क्या होगा या क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोग को जानना है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, पार्टी फॉर लोकल पीपल क्या होता है। हम लोग जैसे मामूली आदमी है, हम लोग प्रोफेसर आदमी, टीचर आदमी, और मेरे जैसे हिंदुस्तान में 95% लोग हम लोग जैसे हैं, 5% लोग हमसे थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी में है, है ना। और ये लोग तो खैर बिल्कुल इनकी कैटेगरी अलग है ना, इनकी तो जाति ही अलग है। प्राइम मिनिस्टर ये सब तो मुश्किल से हाथों में गिनती कर सकते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 20,000 VVIP पर्सन, बस इतना जान लीजिए, 150 करोड़ में सिर्फ 20,000। रेशियो निकाल कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितने VVIP हैं। तो VVIP एक्चुअली इसका वर्ड हम यूज करेंगे कि VVIP पार्टी मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, तो बिल्कुल मना सकते हैं। कैसे मना सकते हैं? सबसे पहले पार्टी फॉर लोकल पीपल क्या होता है वो देखना होगा। पार्टी फॉर लोकल पीपल, हम जैसे लोग हैं, हमसे थोड़ा सा अपर क्लास, है ना, मिडिल अपर क्लास, अपर अपर क्लास में जो लोग होता है, सबसे पहले दारू पार्टी, पार्टी का मतलब उनके लिए दारू सबसे पहले। उसके बाद सिगरेट उगरेट तो बेकार है, वो सब तो मामूली चीज है, चिकन मटन वो सब बेकार है। उसके बाद ड्रग्स पार्टी। जैसे जैसे पैसा का लेवल बढ़ता जाता है ना, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास, लोअर वाला मिडिल में गया, मिडिल वाला अपर मिडिल क्लास में गया, तो इसमें दारू, ड्रग्स, है ना, और फिर मिडिल जब अपर में चला गया तो फिर अपर अपर, उस अपर लोअर, फिर अपर मिडिल, फिर अपर अपर, है ना, उसमें यहां तक आपका करोड़पति लोग आता है, और करोड़पति, अरबपति सब आता है, खरबपति, है ना। बस खाली वो डेजिग्नेटेड नहीं है, रेस्पेक्टेड नहीं है, ऑनरेबल नहीं है, लेकिन जो उस लेवल पे है उनका देखना है कैसे करते हैं। तो दारू हो गया, ड्रग्स हो गया, उसके बाद सेक्स पार्टी, एकदम डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। उसके बाद सेवरल अननेचुरल पार्टी, जो कि मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, टू बी वेरी फ्रेंक, क्योंकि मेरा वीडियो मेरा परिवार का लोग भी देखता है। तो सेवरल अननेचुरल पार्टी, जो इतनी गंदगी है इस लोकल लेवल के पार्टी में, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्या ये पार्टी ये लोग मना सकते हैं? ये वर्ड आया कहां से, ये टॉपिक लिया कैसे, क्यों ये विवाद बन गया, क्यों ये डिबेट का मुद्दा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पार्टी नहीं कर सकते? फ्रांस में अभी 15 दिन पहले वहां पे वहां की प्राइम मिनिस्टर, या फिनलैंड या फ्रांस की, वहां की प्राइम मिनिस्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पार्टी में गई थी, उन्होंने दारू पिया, डांस कर रही थी, गिर गई, कपड़ा फट गया, कुछ ऐसा हुआ शायद। बराक ओबामा भी जब पहली बार व्हाइट हाउस में गए थे, उन्होंने वहां बियर खोल लिया, तो उसको लेकर विवाद हो गया। ऐसा क्यों विवाद हो जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, इसमें से कौन सा बड़ा पाप कर दिया उन्होंने? तो आज मैं इनके बारे में बताने से पहले कि इनके लिए पार्टी क्या है, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरीवन, है ना, कि इनके लिए क्या पार्टी होना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर किस टाइप की पार्टी मनानी चाहिए, अब किस टाइप का पार्टी वो थ्रो कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को 6 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस बना दूं, जो भी इस बार पहली बार इस वीडियो पे आए हैं उनको पता होना चाहिए कि ऑकल्ट मतलब गुप्त साइंस, मतलब विज्ञान। गुप्त विज्ञान जो है ये ब्रह्मांड से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है। यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, कॉस्मिक, तो पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने अनुकूल बनाना और अपने भाग्य को चमकाना, अपने रॉकेट की तरह अपने भाग्य को ऊपर की ओर ले जाना, ठीक है। उससे सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, चाहे ये वीडियो हो, चाहे स्पोर्ट्स का वीडियो हो, चाहे क्रिकेट का वीडियो हो, जो कोई भी वीडियो देख रहे हो, पूरे यूट्यूब में किसी का भी देख रहे हो आप, अगर मैंने कन्फ्यूज नहीं किया आपको तो वो लॉजिक है, मतलब वो सही है, लॉजिक है तो मैजिक है, ठीक है। गॉड, हम न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर ना गॉड है, ना भगवान है, ना मैजिशियन, ना जादूगर है, हम एक डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर के पास जैसे बीमारी लेके लोग जाता है, बीमारी के हिसाब से टैबलेट दिया जाता है, सिरप दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, हम उसी तरह से आपका इलाज करके देते हैं आपको, ठीक है। 80-20 हमारा प्रेडिक्शन, 80% सही हो सकता है, 20% हमेशा एरर होने की संभावना रहती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा।
मेडिसिन शॉप, हमारा जितना भी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पर न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। उसी तरह से अगर आपको नॉलेज नहीं है न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का, कभी कोशिश भी नहीं करिएगा आधा ज्ञान लेके अपना नाम करेक्ट करने का, नहीं तो नाम करप्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और अपना जिंदगी आप बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि कोई भी न्यूमोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी का वीडियो अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका समाधान के लिए आप आए हो, बुरा वक्त में आप आते हो। मैं हमेशा कहता हूँ बुरा वक्त का वेट नहीं करो, अच्छे वक्त में सब करा कर रखो, उसका एडवांस प्लानिंग करते हैं, अच्छे वक्त में एडवांस भी जान कर रखो कि आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसका तैयारी पहले से कर रखो तो बुरा दिन आएगा ही नहीं। इसलिए न्यूमोलॉजी करा लो पूरे फैमिली का मुझसे, और आचार्य जी से कुंडली बनवा लो, ये जान लो कि कोई ग्रह कारक मारक ऊंच का नीच का ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है, अगर लगा है तो उसका उपाय करो, और दोनों मिलकर ऐसा कर देंगे कि आपका भाग्य एकदम रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ेगा। मैंने पूरा फुल नॉलेज देने के लिए है ना MBA इन न्यूमोलॉजी कोर्स शुरू किया है। अगर इंटरेस्टेड हो तो WhatsApp पे मैसेज छोड़ो मुझे, मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है सब जगह है, 10 लाख लोगों के पास मेरा WhatsApp नंबर है, मेरा फोन नंबर है पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ पे मैसेज छोड़िए, मुझसे बात कर सकते हैं है ना। शाम के टाइम में आप 7 PM to 11 PM के बीच आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, सुबह मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो आप मुझे बात कर सकते हैं है ना। ये सब वीडियो बनाने में बिजी रहता हूँ और कुछ नहीं, बहुत मेहनत लगता है सब चीज़ों में, 6 घंटा चला जाता है इनसे वीडियो बनाने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सॉलिड नॉलेज मिलेगा, और मैं किसी भी कीमत पर आधा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आधा ज्ञान देकर ना मैं आपका भविष्य बर्बाद करूंगा ना दूसरे का भविष्य आपको बर्बाद करने दूंगा, इट्स माय गारंटी। फाइंड आउट ऑनेस्ट अक्ल मास्टर, एक ईमानदार न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजर को फाइंड आउट करना ढूंढना इस देश में बहुत मुश्किल है, बोलते ना बोरे में सुई ढूंढने जैसा है, क्योंकि 80% लोग हर फील्ड में भयंकर बेईमान है, उनका खून में बेईमानी है, खाली डर का बिजनेस चलाते हैं, झूठा है, मक्कार है, मतलब बेईमानी का हद हो गया आज की डेट में तो है ना। इसलिए 20% लोग जो ज्ञानी है वो बहुत महंगे हो गए हैं, तो हम लोग सस्ते हैं, तो हमारे देश का ये कॉन्सेप्ट है जो सस्ता है वो बेकार है, जो महंगा है वो भी बेकार है, तो जाइएगा कहाँ, ये आपको डिसाइड करना है ना। आप होशियार हैं क्योंकि इंडिया में सब डेढ़ से आना सब है, इट्स ओके। अब बताते हैं ये हो गया 6 रूल्स ऑफ अकल्ट साइंस। अगर आपका आज भी भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, लेट नहीं करो, पूरे फैमिली का न्यूमोलॉजी करा कर रखो, देखो फिर भाग्य कैसा चमकता है। अब मैं बताता हूँ कि पार्टी फॉर PM एंड अदर्स क्या होना चाहिए। किसी भी कीमत पे डेजिनेटेड ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल पोजिशन पे आप व्यक्ति है, वो इस तरह का गंदा पार्टी नहीं कर सकता, वो इस तरह के 4 चीजों के पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। जब आप मरोगे तो आपके लिए कौन रोएगा, इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछना है। पार्टी का मतलब इनके लिए ये होना चाहिए कि आप जो भी काम करते हो वो पूरा देश में असर डालता है, 150 करोड़ जनता आपको देखती है। अगर आज फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर या कहीं और की प्राइम मिनिस्टर पार्टी में गई और वो डांस कर रही थी, गिर गई, कपड़ा फट गया, तो वो देश की जनता ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया और देश की जनता ने आपसे क्या सीखा, लर्निंग क्या मिला। ये 5 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का टाइटल था, जिसके ऑथर है मिस्टर रॉबिन शर्मा, वर्ल्ड के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर, नंबर वन ट्रेनर आप कह सकते हैं, उनका ये किताब का टाइटल था, मेरा पूरा दिल झकझोर दिया है। 2015 या 2016 में मैंने पढ़ा था इसको, उसके बाद मैं उनकी किताब पढ़ते चला गया, इसी से प्रेरित होकर मोटिवेटेड होकर मैं जाके गरीब बच्चों का स्कूल अपने बड़े भाई की मदद से, अपनी छोटी बहन की मदद से जाके गांव में खोला था कि हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। मैं कैसे भूल गया कि मेरे दादा परदादा, मेरे है ना, मेरे पिताजी का इतना नाम है हमारे इलाके में, सिर्फ इसी वजह से उन्होंने इस पर काम किया, हु विल क्राई व्हेन ही विल डाई, व्हेन दे विल डाई। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट, आपको भी इस पर ये करना है, इसको अपने जीवन गाने के लिए ऐसा कर गुजरना है आपको, जैसे पुराने जमाने में हम सुभाष चंद्र बोस जी को आज भी याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, अभी हमारे वाजपेयी जी को याद करते हैं, कलाम साहब को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, खुदीराम बोस को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको लोग आज भी उनके लिए लोग रोता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है ना, वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। उसी तरह से बहुत सा और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका नाम हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया सब चीज़ के लिए, उनके लिए रोना है। अगर फैमिली
रोती है कोई बड़ी बात नहीं, फैमिली तो हमेशा रोती है, अपने जो भी नियर डियर है लव वंस उनके लिए सब रोता है, लेकिन दूसरा अगर व्यक्ति आपका पड़ोसी आपके लिए रोता है, आपका देश आपके लिए रोता है, वो मैटर करता है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हम अपने ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले अपने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो आपके बीजेपी वाले हैं, पहले तो उनको ही मौका दीजिए, उनके लिए पार्टी थ्रो करिए उनके स्किल्स को निखारने के लिए, क्योंकि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है एकदम बेकार है, सड़ा हुआ है। सिर्फ 5% लोगों को करियर मिलता है, 95% आज भी कभी घृत घना कभी मुट्ठी और चना कभी वो भी मना पर डिपेंडेंट है। मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया था अपने वीडियो बना के कि हिंदुस्तान से गरीबी हटाना है तो पार्लियामेंट जैसी कैंटीन पूरे देश में खोल दीजिए, हर 3 से 5 किलोमीटर पे अपने आप गरीबी हट जाएगी। जो आप अपने मिनिस्टर को खिलाते हैं उतना सस्ता खाना, जिसको 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, ये शोभा नहीं देता। यही सब ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा काम कर जाइए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि दुनिया आपको याद रखे। आज आपको लोग बोलता है कि आप एंटी मुस्लिम हैं, मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं हो, मैंने आपको बहुत ऑब्जर्व किया 8 साल, बहुत रिसर्च किया आपके ऊपर, आप बिल्कुल वैसा नहीं हो। आपके बारे में इतना गलत प्रचार किया गया जिसकी वजह से आपको सबके खिलाफ कर दिया है, और आज आपके खिलाफ 16 पार्टी हो गई है। तो आप ऐसा हुनर स्किल्स वाला एक वर्कशॉप चलवाओ, है ना, जिसमें आपके सबसे पहले मिनिस्टर फिर हर स्टेट में कंपल्सरी करवा दीजिए। आपके लिए पार्टी है, आप करीब बेटियों की पार्टी में जाइए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप अनाथालय में गरीब बेटियों की पार्टी में जाइए, आप स्पास्टिक सोसाइटी में गरीब बेटियों की पार्टी में जाइए, आप ब्लाइंड स्कूल में बेटियों की पार्टी में जाइए, आप वो सब पार्टी में जाइए। क्यों नहीं जा सकते आप? बिल्कुल जा सकते हैं, आपका हक बनता है बेटियों की शादी में जाना, और स्किल्स और हुनर को निखारने के लिए पार्टी थ्रो करिए, और उसमें दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भी आना चाहते हैं उनको भी वेलकम करिए। और अपने इंडिया में 29 स्टेट्स के जितने लोग हैं डेजिग्नेटेड पोजीशन पे, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको बुलाइए, सबको अपना एक हुनर, ताकि उनको भी मन होता होगा, क्योंकि हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल एक्सीलेंस, सेल्फ लीडरशिप एट होम और पर्सनल इफेक्टिवनेस, सेल्फ लीडरशिप एट वर्क, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये वर्ड। इन दोनों वर्ड को आप कंबाइन कर दीजिए, देखिए फिर आपका नाम जीवन भर याद किया जाएगा। मरने के बाद ही बोलते हैं नाम याद किया था, वो तब होता है जब आप इन दोनों चीजों पे काम करेंगे। अभी आपके पास 2029 तक का समय है, क्योंकि 2029 तक 2028 तक आप रहिएगा। 2029 में इलेक्शन में आपकी बीजेपी पार्टी नहीं आएगी, ये बात मुझे पता है, मेरा न्यूमरोलॉजी हम बता चुके हैं आप लोग को वीडियो बना के। उस वक्त कौन आएगा, कांग्रेस आएगा या अदर पार्टी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल उस वक्त हम न्यूमरोलॉजी करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपके पास 7 ईयर्स ऑलमोस्ट, अभी 2022 है, 7 ईयर्स टाइम है आपके पास। 7 ईयर्स में अपना पर्सनल एक्सेलेंस और पर्सनल इफेक्टिवनेस को ऐसा बढ़ाइए, ऐसा इंक्रीज करिए कि जीवन भर आपको अगले 100 साल नहीं 200 साल तक लोग आपको याद करेंगे। ऐसा कुछ करके जाइए। सो आपके लिए पार्टी हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, इस बात को आपको बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, कैबिनेट मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, एमपी, एमएलए, एमएलसी, है ना, एमपी, एमएलए, एमएलसी हमारे लोकल क्या करते हैं, नचनिया के साथ नाश्ते में बैठ के पैसा बढ़ाते रहते हैं, ये क्या तरीका हो? उतने रिस्पेक्टेबल पब्लिक फिगर हो कि इस तरह का काम, ये सब 4 चीज करते हो आप, जो कि मैं बोल नहीं सकता, सेवरल नेचुरल थिंग्स क्या क्या होता है भगवान है मालिक, गूगल में सर्च मारिए मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, यस, डू पीएम हैव अ राइट टू पार्टी, यस, उनको भी शौक है, उनको बचपन का, उनको उस बचपन का शौक पूरा करना चाहिए, करवाना चाहिए अपने सारे मिनिस्टर से। आपको पेंटिंग का था, स्विमिंग का शौक था, दौड़ रनिंग का था, रेस का था, आप साइकिल चलाना चाहते थे, आप स्काई डाइविंग करना चाहते थे, सब करिए, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, आप भी इंसान हैं, आपको भी हक है। अब पर्सनल लेवल पे आप क्या करते हैं अंदर बैठ कर रूम के अंदर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना पब्लिक को मतलब, ना हमारे देश की जनता को मतलब है, बट फॉर यू पार्टी मीन्स दिस वर्ल्ड, that is personal excellence and personal effectiveness, and combined together, super duper, when who will cry, when you will die, work on that. So this is all about this video. अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।